भी लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने है, क्या कन्हैया कुमार जी बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, दिल्ली की सात सीटों पे इंडिया अलायंस जीतेगा, सातों सीट जीतेगी इंडिया अलायंस। तो रुपए के ऊपर हो रहा, रुपए के ऊपर। हाँ पूछो कैसे, पहले इंसानियत थी, भाईचारा था, नेता लोग चाहते थे मेहनत करके जनता की संख्या करके प्यार प्यार से जनता को पुकार के थोड़ा काम भी कर दे रहे थे। अब क्या चाहते हैं, अब तो जो निचोड़ना है निचोड़ लो जनता से और 200 करोड़ के विधायक खरीद लो। परेशानी सबकी है, कारोबार की है, रोजगार की है, सभी परेशानियां हैं, सब परेशानी है। देश तो काफी विकास कर रहा है, लोग जो है खुशहाल हो रहे हैं। लग गई है देश की, लग गई है देश की, जिन्हें लगा दिए सही से, मोदी जी बिल्कुल, मोदी योगी देश विकास ही कर रहा है। पता ना भैया, जब से ये सरकार आई है मैं तो परेशान हूँ। भैया परेशान है, आजाद हुआ है, ये यूनिवर्सिटी, ये एयरपोर्ट, ये कंप्यूटर, ये एटीएम, ये सब यही लेके आए हैं, समझे नहीं, ये सब यही लेके आए हैं। कांग्रेस क्या लाई है, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं करा। इनसे पूछो, जब इनके नेता जो जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेटते हैं वो किसके बनाए हुए हैं, मोदी ने। असल में मोदी ने ही देश आजाद कराया है, यानी देश आजाद भी नहीं था, देश हमारा देश जो 1947 में आजाद नहीं हुआ। नहीं, 47 में तो गलत बताते हैं। और आजकल हमारे देश को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है रोजगार, जो कि बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। अगर दिया हो तो, दिया हो तो मुझे आप बता दो, बीजेपी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिए। 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बहुत से जनता यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होने वाला है, उससे बात करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 किस मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए? मुद्दे पे कुछ नहीं होगा चुनाव, ये तो रुपए के ऊपर हो रहा। हाँ पूछो कैसे, पहले इंसानियत थी, भाईचारा था, नेता लोग चाहते थे मेहनत करके जनता की संख्या करके प्यार प्यार से जनता को पुकार के थोड़ा काम भी कर दे रहे थे। अब क्या चाहते हैं, अब तो जो निचोड़ना है निचोड़ लो जनता से और 200 करोड़ के विधायक खरीद लो और सरकार बना लो और जो बिकेगा ना तो उसे हवाल हाथ में डाल दो, जो नहीं बिकेगा हाथ में डाल दो। क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं, काहे की महंगाई, काहे की, ऐसी जमीन बढ़ रही है, किराया आ रहा मोटे मोटे, कोई महंगाई नहीं है, कमाने वाले में कोई महंगाई नहीं है। विकास नहीं कर रहा, कराया जा रहा है। अच्छा विकास कर रहा नहीं, कराया जा रहा है पेपरों में, टीवी में। बात तो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे। 2 करोड़ रोजगार मिल गया, 4 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ की बात करो तुम, अब क्या पूछो कैसे ने दिया, कैसे दिए। ये जो यूट्यूब चल रहा है और ये जो इंस्टाग्राम चल रहा है, पूरा दुनिया तो पागल हो रही, लोंडे ठुमके मटकारी रुपए कमा रही और लंबे रुपए कमा रहे, कामिल्ला बंद करके बड़े पड़े तो रोजगार ना आयु। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी 2 बार थे, तिवारी ना किंगे भी आज भी नहीं जीते ना, तो कन्हैया कुमार जीतेगा। कन्हैया कुमार किससे? कन्हैया कुमार कांग्रेस से ना, वो जीते तो भी नहीं जीतेगा ना, तो कौन जीतेगा? मनोज तिवारी जीतेगा, मनोज तिवारी, तिवारी तिवारी ना। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है जनता परेशान है? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्या परेशानी जनता की? परेशानी सबकी है, कारोबार की है, रोजगार की है, सभी परेशानियां हैं, सब परेशानी है। काम देश तो काफी विकास कर रहा है, लोग जो है खुशहाल हो रहे हैं। लग गई है देश की, लग गई है देश की, लग गई है, जिन्हें लगा दिए सही से, मोदी जी ने लगाया बिल्कुल, मोदी योगी देश विकास ही कर रहा है। पता ना भैया, जब से ये सरकार आई है मैं तो परेशान हूँ। भैया देश आजादी जब से हुआ है, मोदी ने, असल में मोदी ने ही देश आजाद कराया है, यानी देश आजाद भी नहीं था, देश हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ। नहीं, 47 में तो गलत बताते हैं, असल में हमारे बुजुर्गों ने गलतियां करी थी, जो ये हमें गलत बताया, हिस्ट्री गलत बताई थी हमें। जब से मोदी जी आए हैं हमारा देश आजाद भी जब से हुआ है। क्या हमारा देश जो है 2014 में आजाद हुआ है? ऐसा है ना, बीजेपी के हिसाब से अभी कंगना रनौत ने बोला कि ये आजादी हमें भीख में मिली। इतने सारे देश में लोग मर गए जिनकी हम शहादत मनाते हैं और उनके उनको सेलिब्रेट कर, वो मतलब उनकी श्रद्धांजलि देते हैं, वो लोग आज उनको कितनी ठेस पहुंची होगी। उन्होंने बोला आज़ादी भीख में मिली हमें, कि आज़ादी भीख में मिली है, लाखों लोग मरे हैं उसमें, उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मर गए, और उसको कहते हैं मतलब उसको भीख में मिली, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से बोला जाएगा आज़ादी तो अभी बीजेपी के राज में मिली है, पहले तो लोग सांस भी नहीं ले रहे थे, पहले तो आज़ाद थे ही नहीं, ये तो उनका मानना है। तो क्या आपको भी लगता है कि 2014 में आज़ाद हुआ है? जब से मोदी जी हैं, जब से आजाद हुआ है, ये यूनिवर्सिटी, ये एयरपोर्ट, ये कंप्यूटर, ये एटीएम, ये सब यही लेके आए हैं, समझे नहीं, ये सब यही लेके आए हैं। कांग्रेस क्या लाई है? कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं करा, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं करा। इनसे पूछो, जब इनके नेता जो जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेटते हैं वो किसके बनाए हुए हैं? इनके बनाए हुए हैं क्या? आज इनके बच्चे इस बाहर मुल्कों में क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे जो है गलियों में
आवारा घूम रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में। अभी कोई दंगा कराना हो, अभी कोई नारेबाजी करानी हो, कोई जुलूस निकालना हो तो सब गरीब जनता जाएगी, इनके इनके बच्चे क्यों नहीं जाते? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जो विपक्ष अगर भ्रष्टाचारियों की गारंटी है तो मोदी कार्रवाई की गारंटी है। मोदी ने आज तक कौन सी गारंटी ने पूरी करी है बताओ? इन्हें सिर्फ झूठ बोला है, जुमलेबाजी सरकार। 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, उनके मैनिफेस्टो में शामिल। मुझे मुझे एक बात यूं तो बता दो, मुझे एक बात ये और बता दो, मुझे एक बात ये और बता दो, इतने मॉब लिंचिंग होते हैं, मुसलमान के लंडे मारे जाते हैं, एक आधे मोदी जी ने मुंह के जो कर रहा है, ये जो मार रहा है उसके साथ सजा होगी या उसे उसके साथ काड़ी तगड़ी करके सजा करी जाएगी उसे, या उसे कोई थोड़ी बहुत 1% की भी उसके साथ जेल में कर दिया जाएगा? नहीं होता, मार दे तो मार दिया। दंगे तो ज्यादा कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे। दंगे कौन करते थे? बीजेपी वाले करते थे दंगे पहले, अब इनकी सरकार आ गई, अब इन्होंने दंगे। कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं करती थी? कार्रवाई होती थी देश में, कार्रवाई होती थी, लेकिन दंगे तो यही लोग करते थे। अब दंगे होती थी ना, इतने हिंदू मुस्लिम होते थे, इतने हिंदू मुस्लिम का भी कोई बात नहीं। अब तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। हिंदू मुस्लिम ना इनके मुंह पर ही है वैसे तो, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, समाज में मोहल्ले में यहाँ पर दुकानें हिंदू मुस्लिम सभी की हैं, सब आराम से रह रहे। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। आप युवा है, कैसे देखते हैं हमारे देश में जिस तरह से राजनीति होती है? मैं हूँ युवा, और आजकल हमारे देश को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है रोजगार, जो कि बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल नहीं दिया। अगर दिया हो तो मुझे आप बता दो। बीजेपी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिए, रिकॉर्ड दिखा दो मुझे। सबसे बड़ी बात वुमेन सेफ्टी, क्राइम रेट देख लो कितना बढ़ गया, महिलाओं की रक्षा का क्या होगा भाई? महिला का जितने रेप अब हो रहे हैं ना, 2014 से पहले नहीं होते थे, वरना रिकॉर्ड उठा के देख लो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो मतलब उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न या बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, FIR दर्ज नहीं, लॉज नहीं होता था, इसलिए आंकड़े नहीं आते थे सामने। लेकिन अब जो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए आंकड़े सामने आ रहे हैं। आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसमें देखो ना कितना क्राइम रेट बढ़ गया। आंकड़े सामने, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्राइम रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। आंकड़े आपके सामने आए वो अच्छे आंकड़े नहीं है। उस आंकड़े को कम करने के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ना। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने है, क्या कन्हैया कुमार जी बिल्कुल जीतेंगे? मैं आपको लिख के देता हूँ, दिल्ली की 7 सीटों पे इंडिया अलायंस जीतेगा, 7 सीट जीतेगी इंडिया अलायंस। क्या बात, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो क्या इंडिया जीरो पे हो जाएगी? भाजपा जीरो पे, भाजपा जीरो हो जाएगी। आपकी बार 400 के पार के नारे हो रहे हैं भाई, नारा ही तो लग रहा है। पब्लिक से तो पूछो, पब्लिक किसकी तरफ है? इंडिया अलायंस से पूछो ना। दिल्ली में केजरीवाल का नारा है, और केजरीवाल जीतते ही बाहर आएगा। केजरीवाल क्या नहीं दिया हमें? अगर मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर इस बार मैं कह रहा हूँ, अगर इस साल किसी भी भारतीय ने, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर इस साल किसी भी भारतीय ने केजरीवाल को वोट नहीं दिया तो उसने देश बचाने को वोट दिया ही नहीं, उसने वोट दिया हिंदू मुस्लिम पे। और अगर हमने इस साल उसे वोट नहीं दिया तो पूरे भारत का कोई भी नेता काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करा है सिर्फ केजरीवाल ने, और जिसने काम के नाम पे वोट मांगा है, और उसे हम वोट क्यों ना दे? दिल्ली का हमारे स्कूल जाके देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ने वाले मैं छात्र हूँ, और आप जाके देखो हमारे कॉलेजों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में जाके देख रहे हो उनके स्कूलों का हाल क्या है, आपको बीजेपी की सच्चाई पता चल जाएगी। आप क्वेश्चन पूछना भूल जाओगे, दिल्ली का स्कूल और यूपी का स्कूल मिला के देख लो। क्या लगता है बताओ? बदलाव होगा भैया, होगा। तो आपने देखा कि जनता जो आपने राय रख रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला, आपकी क्या राय है? मोदी जी के 10 साल आपने देखे, क्या लगता है मोदी जी के राज में आपके अच्छे दिन आए? क्या लगता है महंगाई बढ़ी है या फिर आप मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश है? आपकी क्या राय है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे साथ, अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।